बेअदबी व बाइबल कलह घटना के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराने के जस्टिस रणजीत सिंह के झूठे आरोपों के विरोध में स्थानीय घंटाघर चौक में अकाली दल के गुरदीप सिंह गोशा ने डॉक्टर की वेशभूषा धारण कर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मानसिक तौर पर बीमार बताकर सांकेतिक तौर पर उनके पुतलों के दिमाग का ऑपरेशन किया। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी जी, जाखड़ जी, नवजोत सिंह सिद्धू, इन्हों का दिमाग माइकल अडवायर जिन्हें जलियांवाला बाग कांड कराया, राजीव गांधी जिन्हें दिल्ली में कतलेआम कराया, इंदिरा गांधी जिन्हें दरबार साहब के हमला कराया, उन्हों का रूह इन्हों के आ गई है। इन्हों का दिमाग जिहड़ा दिमाग तो हट के पैरों से चला गया सी। बड़ा ऑपरेशन रणजीत सिंह ढिल्लों जी समुची अकाली दल की लीडरशिप वालों पैर का ऑपरेशन किया गया, करने की कोशिश की गई, शायद दिमाग पलट के दोबारा दिमाग के आ जाए, शायद पंजाब का भला हो सके। पर असी उस काम से फेल हो, एक सियाना खड़ा से कहना इन्होंने पुट्ठे करके जला दो, शायद इन्हों का दिमाग सैट आ जाए, शायद ये जाग जाते वो काम किया। इन्ह का काम हमेशा तो ही जो इंदिरा गांधी तो राजीव गांधी या माइकल अडवायर ने किया भी पंथ को पाड़ो, सिखा पाड़ो, हिंदू सिख एकता पाड़ो तो राज करो, तो अब पौने 2 साल कांग्रेस को दिखाने वास्ते कुछ नहीं है। वो सिर्फ भटका आ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के मुद्दे की गल कर रहे, गुरु ग्रंथ साहब का दे उत्ते हमला समुची दुनिया के लोगों के सिर चुकते, ये उत्ते पर सियासत करना एक बड़ी माड़ी तो घटिया निंदण योग गल है। उन्होंने कीड़े पैने